नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह। आप देख रहे हैं जनपद टाइम्स सच के साथ एक कदम। अभी मैं उपस्थित हूँ जनपद इटावा के सैफई स्थित इमरजेंसी ड्रामा सेंटर के ठीक सामने, जहाँ पर एक लावारिस गर्भवती महिला को कुछ लोगों ने अगवा कर बेचने का प्रयास किया। जब इस पूरा प्रकरण को महिला ने समझा तो ड्रामा सेंटर के बाहर उपस्थित गार्ड लोगों से इसकी सूचना दी, तो गार्ड लोगों की सूझबूझ से इस महिला का अपहरण होने से बच गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या पूरा प्रकरण था, क्या घटना थी इस महिला के साथ, क्या हुआ। आपका नाम क्या है? रीता देवी। रीता देवी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? रहने वाले हैं सर काकन हवेलिया। काकन हवेलिया कहाँ पड़ता है ये? पड़ता है जवराई के पास में। जिला क्या पड़ता है? जिला मैनपुर रहने वाली हैं। अच्छा अच्छा साथ ही आपका मायका कहाँ पर है? मायके बनारस। बनारस में आप मायका आपका है। आप यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ पे स्टेशन पे छोड़ दिया था आदमी, मतलब गाड़ी से वहाँ पे कर दिया था, बोला कि हम आए। अच्छा, एक डेढ़ घंटा हम गाड़ी चलाते। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं आपके हस्बैंड, क्या नाम है उनका? प्रमोद। प्रमोद गाड़ी कहाँ चलाते हैं? गाड़ी चलाता है वहाँ सूरत दिल्ली। बड़ी गाड़ी चलाते हैं? बड़ी गाड़ी चलाता है। इटावा कब छोड़ा उन्होंने आपको? छोड़ा है 5 बजे का, कल को। कल 5 बजे सुबह या शाम को? शाम के टाइम 5 बजे। शाम को 5 बजे क्या छोड़ कर गए थे? क्या कह के गए थे जब उन्होंने छोड़ा आपको? बोला था कि हम आएंगे। कब तक आएंगे? बोला था एक डेढ़ घंटा में हम आ रहा। फिर नहीं आए? नहीं, सब रात हो गई। 12 बजे दर्द हुआ था हमें। अच्छा, 12 बजे आपको दर्द हुआ? 12 बजे लेडीज पठाए पुलिस वाले। ठीक, महिला गई, दोनों लेडीज सब हमने भर्ती करवाई। कहाँ भर्ती कराया आपको? इटावा मोदी जी हॉस्पिटल में। अच्छा, मोदी। ठीक, भर्ती। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ से छुट्टी कर दी, यहाँ सैफई काजे। छुट्टी क्यों की उन्होंने वहाँ पे? वहाँ पे बोल दें कि यहाँ सैफई काजे, यहाँ वहाँ पे खून नहीं रहा, यहाँ पे पुलिस खून चल जाएगा। अच्छा, मतलब आप खून कम था आपके अंदर? हाँ। तो आपको यहाँ भेज दिया गया? खून मांगी थी। 2 बोतल? हाँ। तो अब आप यहाँ अस्पताल के बाहर क्यों बैठे हुए हैं? बाहर बैठे थे कि चार लोग हमें कोई के चिन्हा परिचय नहीं, जो आदमी कहाँ को बेचवे के रहा हमें सोच है। अच्छा, आपको बेचने की सोच रहे? 4 लोग थे। हाँ, बोले कि हम प्राइवेट में इलाज करवाएंगे। प्राइवेट में खून देंगे। हाँ। और खून दे देंगे तो 2 बच्चा ये ले लेंगे, बेच देंगे, 2 बच्चा वो बेचेंगे, तुमको बेचेंगे। अच्छा, 2 बच्चे आपके वो बेच देंगे, जो 2 बच्चे पेट में उनको बेच देंगे, आपको भी बेच देंगे। ये आदमी बता देना कि हमारे ये आदमी है, आदमी नहीं रहा, वो बाहरी आदमी, पता नहीं। बाहर के लोग थे, 4 लोग थे। 4 लोग थे, उनमें सभी पुरुष थे, कोई महिला भी थी? एक महिला रही थी। एक महिला थी, तीन आदमी थे, एक महिला थी। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ भर्ती करवाया गया था? हाँ, आई थी भर्ती तो भाए थे। फिर छुट्टी कैसे हो गई आपकी? बाहर कैसे बैठी हैं आप? फोन मांग रही थी, उसने छुट्टी कर दिया कि फोन हम नहीं दे पाऊंगी। ठीक, इसका जब आएगा आदमी तो देंगे, नहीं तो हम प्राइवेट में इलाज करवाएंगे। प्राइवेट में करवाएंगे आपको? हाँ। तो आपने उस समय कुछ नहीं कहा जब छुट्टी हो रही थी आपकी डॉक्टर्स वगैरह से? आपने नहीं कहा कि हम इनको नहीं जानते, कौन लोग हैं ये? हमने बोले थे कि सर जानते नहीं है, तो बोला कि हम इसको जानते हैं, मेरे पति हैं, ये हैं, इसको मेरे औरत है, हम गाड़ी चलाते हैं, इसे छुट्टी का। अच्छा, डॉक्टर से उन्होंने झूठ बोला कि आपके वो पति हैं? हमसे पहले। अच्छा, भर्ती रहे थे आप? भर्ती थे और डॉक्टर को बोला उन्होंने कि ये मेरी बीबी है, इसको हम प्राइवेट दिखाएंगे। और एक लेडीज लेके आया, वो बोल दिया कि हमारे के बोल दिया कि ना जाए। अच्छा, जो लेडीज आप जो साथ में थी उनके, उन्होंने आपको भाभी बता दिया? हाँ। अच्छा, फिर जब आपको यहाँ पे आपने कैसे जाना कि ये लोग मुझे बेचना चाह रहे हैं? इसने बोला कि का नाम है, मेरे साथ चलो इटावा, अभी ऑटो करके लेके आया। अच्छा, ऑटो में बैठा रहा था। ठीक, ऑटो में बैठो, हमने नहीं बैठे, हम बोलेंगे उसको, हम जानते नहीं, हम बैठेंगे नहीं, जबरी करेगा तो हम डंडा लगवाएंगे, जूता चप्पल देंगे। अच्छा, चले गया। उसके बाद लोग यहाँ से भाग गए? हाँ, सब चले गया। अच्छा, तो आपके जो पति हैं उनसे कोई संपर्क हो पाया आपका? अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, और कोई आपका सगा संबंधी परिवार का किसी से कोई संपर्क हुआ? नहीं, किसी से कोई संपर्क आपका नहीं हो पा रहा है? नहीं, आपसे कोई मिलने नहीं आ रहा यहाँ पे? नहीं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये महिला कल की डेट 9 अगस्त 2022 को सुबह इसकी जांच हुई थी हीमोग्लोबिन की, जिसमें कि 7 पाउंड खून पाया गया है।
और इसके पेट में दो बच्चे हैं और इस स्थिति में इसकी डिलीवरी होना मुश्किल था, जिससे डॉक्टर्स ने इसको सैफई भेज दिया था। छुट्टी होने के बाद ये महिला उन लोगों का षड्यंत्र समझ पाई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड ने, यानी कि उनको जब उसने बताया तो उन्होंने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया, जब तक कि वो भी कुछ समझ पाते तब तक जो बदमाश लोग थे वो यहाँ से भाग चुके। जो ये पीड़ित महिला है इसके बारे में क्या जानते हैं आप? जी उसने पर्चा भरवाया अपना, जी इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, जी हमने उनसे मैडम से शिकायत की, वहाँ की जो डॉक्टर पल्लवी थी, जी ठीक है उनसे शिकायत की हमको, मतलब उसके 5 ग्राम दाग ब्लड है, जो भी आपका जी, तो मैडम ने इनको कहा भर्ती किया और इनका रेफर लेटर बनाया, अब आपको कॉल किया जी, तो मैं ALS एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि इस महिला के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, जो मतलब इसका बच्चा अच्छा कुछ लेना चाहते हैं जी, तो आप इसको रेफर कर रहे हैं इसको, आप उनको छोड़ देना। अच्छा, वहीं के मेडिकल स्टाफ ने कॉल की एम्बुलेंस पे, हमको आईडी प्रोवाइड करवाई, उसके बाद मैं इसको लेके आया, मैंने यहाँ पे बकायदा इसको एडमिट करवा दिया। अच्छा, डॉक्टर क्या नाम था उनका? डॉक्टर ज्योत्सना। डॉक्टर ज्योत्सना, जब आपको जानकारी थी कि इस लावारिस महिला के साथ में कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी के अनुसार आपने किसी अन्य को सूचित कर देते घर? हमने डॉक्टर को बता दिया था वो अंदर। आपने डॉक्टर को सूचना की थी? हमने बता दिया था कि ऐसी महिला, इसके दो बच्चे हैं जी, और इसके साथ कोई अटेंडर नहीं है, तो मैम आप इसको का नाम अपने अंडर सुपरविजन लीजिए जी, उन्होंने ले लिया था और हम वहाँ अंदर भर्ती करा के रिसीव करा के हैंड ओवर करके चले गए जी। थैंक यू।